एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं। मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50 हजार 25 हजार 20 हजार 40 हजार और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह कहकर फोन लगा कर भैया दे दे रहे, परेशानी है दे दे रहे भैया हम तो परेशान हो गए और हार गए नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तुम्हारा किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप माँ जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। उसकी आहुतियां, हे जगत जननी हे जगदम्बा तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो टहनी हो डाली हो फल हो शूल हो वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। महाराज जिसकी किडनी लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिया हो या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है 108 कमल गट्टे की माला ले, शंकर को वो समर्पित कर, उसी कमल गट्टे की माला से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करे, और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते, थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाए, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पानी श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि यदि कोई बच्चा कोई घर का व्यक्ति कोई सास कोई बहू कोई पुरुष कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो तो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी गिलास पानी का उसके सामने दे दो और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। श्रम्भेश्वर महादेव का इतना प्रमाण, भगवान शंकर का एक अवतार श्रम्भेश्वर के रूप में क्रोध को समाप्त करना, क्रोध को शांत करना। श्रम्भेश्वर महादेव अगर कोई लड़का कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लौंग 5 काली मिर्च, आपको मालूम है आपका पुत्र आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए हैं, कोई मदरा पान में मांसाहार में डूबे हो, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लौंग 5 काली मिर्च श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, उसको वापस उठा लाइए, 250 ग्राम पानी में उसको उकाल लीजिए और श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए, उसकी गलत संगत छूट जाएगी, पीने वाले व्यक्ति का पीना छूट जाएगा, कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाता है। श्रम्भेश्वर महादेव का इतना प्रमाण। आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो तकलीफ दे रहे हो कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर शंकर के चरणों में जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए, राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा, सुख का अनुभव करवा देता है। बहुत सुंदर बात है, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती रात रात भर नींद नहीं आवे, करवटे बदलते रहो गोली खाकर सोना पड़ रहा, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए, आपकी जिसको नींद नहीं आती उसके ऊपर से उतार बस महा, और जिस दिन आप रख के आओगे उस दिन चकाचक सोओगे, गोली खाने की जरूरत नहीं, एक हफ्ते तक आपको चकाचक नींद आएगी, फिर अगला हफ्ता आए फिर सोमवार को चले जाओ फिर करिए, फिर गोली खाने की जरूरत ही नहीं, चक नींद, सवेरे 6-7 बजे उठो रात को सोए नींद ही नहीं। 3 तरह की दुर्वा होती है महाराज, कितने तरह की? 3, एक सिंगल वट की, एक डबल वट की और एक श्वेत।
जिस बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, सफेद वाली दुर्वा को लेकर उसका बट बनाइए, सात दुर्वा को लेकर बेटा बेटी का हाथ लगवाकर चंद्रमा पे से सात बार घुमवाकर गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ है उस साइड पर दुर्वा को लगवा दीजिए, 3 से 4 महीने में बेटा बेटी का विवाह पक्का हो जाए। चंद्र गणेश का स्मरण कर, बाल चंद्र गणेश का स्मरण करिए। ये सफेद दुर्वा जो है, जिसको पथरी की बीमारी होती है ना, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर पानी का स्त्रोत रहेगा, जलाशय रहेगा, कुआं रहेगा, बावड़ी रहेगा, वहां सफेद दुवा लगती है। उस दुवा को लाओ, गणेश जी को समर्पित करिए, बालचंद्र का स्मरण करिए, उसी दुवा को चबा चबा कर दांत से खाना चालू कर दीजिए, 15 दिन में पथरी बाहर हो जाती है। भगवान श्वेत दुर्वा का इतना प्रमाण है हमारे। भगवान गणेश जी महाराज को जो दुवा आप लोग समर्पित करते हैं, उसको मोली से बांध कर कभी नहीं चढ़ाइए, मोली से धागे से बांध कर नहीं चढ़ाना, दुबा से ही उसको लपेट दीजिए, दुबा से ही उसको बांध दिए, और प्रयास करा करो कि दुर्वा जहाँ गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करी जाए। दुर्वा का क्रम है मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्वा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्वा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्वा, और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्वा का प्रमाण शिव महापुराण में वर्णन है। ऐसा हमारे यहाँ शिव महापुराण शास्त्र वर्णन। नौमी तिथि, कौन सी तिथि? नवमी। चाहे शुक्ल पक्ष की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव, उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन 6 दिन 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। नारी के स्त्री के रजो धर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़े हुए के लिए भी प्रयोग आता है, उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोष से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हुई नहीं। और वो जल शंकर भगवान को शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव के नाम से? शूल पाणेश्वर महादेव, उसका भी स्थान है कि वो जल कहाँ चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज सुनीति के पास जाकर रोते हुए कहते हैं, मैंने जो सीखा है वो विश्वास सीखा है। देव ऋषि नारद से पूछा, सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता कौन सा है? जो सबसे जल्दी राजी हो जाए वो देवता बता दो। तो कहा, सबसे जल्दी राजी होता है तो देवाधिदेव महादेव होता है, एक लोटा जल चढ़ाओ और राजी हो जाता है। पर ध्रुव जी ने कहा, मेरा दिल तो भगवान नारायण में लगा है, फिर मैं महादेव को कैसे रिझाऊं? तो नारद जी ने कहा, नारायण में, ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है, इसलिए शिव जी की आरती में गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत। जिसमें विवेक नहीं है वो इनमें भेद कर सकता है, पर जिसमें विवेक है वो ये जानता है कि ब्रह्मा भी शिव है और विष्णु भी शिव है, सब में शिव समाया है, श्वास में शिव है। जब तक श्वास है तब तक शरीर है, जब श्वास निकल जाती है तो केवल शव रह जाता है। जिसने जान लिया कि शंकर के बिना कुछ नहीं है, वो पहचान गया कि शिव शिव है, वो पहचान गया कि देवाधिदेव महादेव देवाधिदेव। जरा सा दुख आया, आंखों से आंसू झड़ने लगे, रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर दुनिया को और जला दो, और जला दो। रो रो कर मरने से अच्छा है प्रसन्न रहो, दुख आया है कटेगा, तकलीफ आई है मिटेगा, रोग आया है जाएगा, कष्ट आया है मिटेगा, समय सब
आएगा जब जाएगा, समय की अवस्था में सब आएगा जाएगा, आया है जाएगा। समय की अवस्था में सब आता जाता है। आपका विश्वास जब दृढ़ी होगा, आपका भरोसा जब दृढ़ी होगा, अपने आप कार्य सफल। ध्रुव जी महाराज ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान की अविरल भक्ति में लग गए, भगवान के भजन में लग गए। ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसी भक्ति ध्रुव जी महाराज ने करी, ऐसी भक्ति करी, देवलोक वैकुंठ लोक सब हिरने लगा। उस भगवान विष्णु को प्रकट होने लग पड़ा और कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बस कुछ नहीं, मेरी बुआ ने कहा था भगवान मिले तो उससे कुछ मत मांगना, केवल उसके सिवाय। तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा था, क्या मांगू मैं तुमसे? कुछ नहीं मांगना, मुझे केवल तुम्हारी गोदी में बैठना है। काय में बैठना है? गोदी में बैठना है। अब जिसकी संतान नहीं, जिसकी औलाद नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं, और वो किसी की औलाद को, किसी की संतान को गोदी में लेकर बैठ जाए या गोदी ले ले, तो सारी जायदाद का हिस्सेदार होता है कि नहीं होता? बोलो रीजी जी, बोलो जम के बोलो जरा, होएगा ना? सारी जायदाद का हिस्सेदार बन जाएगा। अब भगवान शिव जी के यहाँ संतान, भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ संतान, भगवान विष्णु के यहाँ जब संतान का सुख नहीं, तो फिर अब ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी बुआ ने कहा था, देवऋषि नारद ने भी मुझसे कहा था, भगवान मिलेंगे तो क्या मांगेगा? मेरी बुआ ने कहा था, जब भगवान मिले तो वैभव मत मांगना, धन मत मांगना, दौलत मत मांगना, सत्ता मत मांगना, क्योंकि ये दौलत, ये सत्ता, ये वैभव, ये जायदाद, ये संपदा तो एक दिन सब छूट जाएगी। अगर मांगना तो भगवान को, खुद को मांग लेना, मुझे भगवान आपकी गोद में बैठना। भगवान विष्णु सोच में पड़ गए, इसको गोद में बिठाऊंगा, ये मेरी गोदी में आ गया, गोदी में अगर आ गया तो इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब गोदी आ गया तो पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन गया, मांग कर करेगा क्या? ये कोई कोई बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर। छोरा छोरी वालों के यहाँ जब संबंध होता है ना, बहुत चतुर लोग मिलते हैं, बहुत। एक छोरा वाला छोरी वाले के यहाँ गया, देखो साहब, सगा जी, बियाई जी साहब, संदी जी, हमें कहीं नहीं चाहिए, एक रत्ती भर सामान नहीं चाहिए, हमारे यहाँ सब है। देखो हमारे यहाँ फ्रिज भी है, टीवी भी है, सब है, पर तुम अगर टीवी दोगे तो अपनी छोरी को दोगे, हमारे यहाँ सब है। हमारे यहाँ तो दो दो तीन तीन गाड़ी भी हैं, पर सब गाड़ियां चली जाती हैं, और तुम्हारी छोरी का अगर कभी मन हुआ पति के साथ घूमने का, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ तो पूरा फर्नीचर बना हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ, सब कमरे में एसी लगा है। एसी लगवाओगे तो आप अपनी छोरी के कमरे में लगा, हमें? बोलो जम के बोलो, कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ। अब गाड़ी भी तुम छोरी को दोगे, सब सामान छोरी को दोगे, तो छोरी का बाप बोला फिर हमें छोरी भी नहीं देना, हाथ जोड़े, सब छोरी को देना है तो छोरी को हम यही नहीं दे देंगे, तुम तो जाओ बिहाई जी, श्री फल लो अपने घर। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मांगना बाबा से तो मांगना, तो इतना मांगना कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ दे दीजिए, और कुछ भी नहीं, बस तेरा और मेरा साथ बना रहे, इतनी कृपा कर देना। जितना जन्म मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले मुझे,
उतनी बार तेरे चरणों की सेवा मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले तेरी शिव महापुराण की कथा मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरी भक्ति मिले, और उसके सिवाय कुछ नहीं। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा। जब से होश संभाला तब से हमने पाया, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा। भगवान तुम्हारे भजन से, तुम्हारे कीर्तन से, तुम्हारे स्मरण से, तुम्हारे चिदानंद वृत्ति से बस जितनी बार जन्म मिले उतनी बार तेरा भजन करूं, जितनी बार जन्म मिले तेरा सत्संग मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरा कीर्तन मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरा स्मरण। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए, बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को सात बेर ले लो, और सात बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए, आपका रोग आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी।